चार रन चार रन चार रन चार रन चार रन चार रन, ये हुई ना बात। चलो मैच तो अच्छा हुआ, सचिन को बुलाते फोन करके और देखते मूवी साथ में। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आ रहे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का। हेलो। हाँ सचिन, कहाँ पर हो? हाँ भैया, जल्दी से घर पे आ जाओ, भाग के मूवी अभी आ रहा, देखेंगे। मैं अभी आ रहा, आ रहा अभी। कहाँ रह गए, कहाँ रह गए लड़का? पता नहीं कितनी देर में आएगा, यहाँ मूवी निकले जा रही है अभी तक नहीं आया। अब बताओ भैया कौन सी मूवी देखनी है? अरे आ गए तुम, इतना आप क्यों रहे हो? आराम से आओ बैठो। तुम भैया दौड़ते हुए आऊँ मैं, बस मूवी लगा दो। तुमने इतनी मूवी निकाल दी मेरी, देखो भैया चल तो रही है मूवी। ये कैसी मूवी है? तो सुनाई दे रहा है खाली, दिख तो रहा ही नहीं। अरे अच्छे से देखो ना भैया, नहीं दिखाई दे रहा, सच में नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। अच्छा चश्मा लगाना पड़ेगा, मैं लगाओ चश्मे तब तो देखो। भूल पहले गया, चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। मैंने सबसे पूछा अंशुमान भैया अभी भी तुम नहीं कहीं दिखाई दे रही। अंशुमान अरे खाली डिस्टर्ब क्यों कर तुम रहे हो तुम तो मुझे बार दिखाई बार? नहीं दे रहे। भैया सच में नहीं दिखाई दे रही, मैंने तो चश्मा भी लगा लिया, अब नहीं दिखाई दे रही मेरे को। कौन से चश्मे लगाए तुमने? देखो चश्मा देखो भैया, अरे बंद ये वाले चश्मे से नहीं दिखेगा, तब कैसे दिखेगा भैया? तुम्हें चाहिए A2X वाले चश्मे। A2X का चश्मा? हाँ लेकिन ये ना अरे गजब भैया, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है अब भैया। दिख रहा है तुम्हें, हाँ ये तो गजब चीज है। तो यही तो खासियत है हमारे टीवी की। तुम अगर नॉर्मल किसी भी चश्मों से देखोगे, आंखों से देखोगे, तब नहीं दिखेगा। सिर्फ ये A2X वाले चश्मे ही तुम्हें ये वीडियो दिखा भैया सकते एक चश्मा हैं। मेरे लिए बनवा दो ना भैया। नहीं मिलेगा, इसका सिर्फ एक ही चश्मा है, वो है हमारे पास। भैया ये तो गजब का चीज है, सुनाई लाओगे यार, तो दे रहा पर दिखाई नहीं दे रहा। खुली आंखों से भी देख ली, चश्मा भी लगा ये लिया। भैया एक बार और दिखाना, एक बार और, एक बार और। अरे मुझे नहीं दिख रहा है अब, मुझे भी दे दो। हाँ भैया ऐसा क्या है इन चश्मों में जो इससे नहीं देख पा रहा हूं मैं? यही तो जादू है हमारे चश्मों में, जानना है इसके पीछे का भैया बताओ ना एक जादू बार, जादू बताओ ना इसका। बताए। बिल्कुल आओ मेरे साथ। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ऐसा क्या है इन हमारे चश्मों के अंदर कि कोई भी हमारे टीवी के अंदर बिना इन चश्मों के देख नहीं सकता। आप देख भी सकते हैं कि ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें व्हाइट दिख रहा है, लेकिन अगर आप इन A2X वाले चश्मों से देखोगे तो आप इसके अंदर जो भी कुछ चल रहा है तभी आप देख सकते हो। अगर आपके पास कोई नॉर्मल चश्मे भी है उनसे भी आप नहीं देख पाओगे। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा इनसे दिखता है। ये हमारे पास नॉर्मल चश्मे, अगर आप किसी नॉर्मल चश्मों से देखोगे तो भी आपको ये व्हाइट ही दिखने वाला है, लेकिन अगर आप देखते हो इन A2X वाले चश्मों से तब देखो आपको क्या दिखाई देता है। आपने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन आपने सुना होगा मेरा नाम सचिन, सचिन के बारे में। कैप्टन टेंडुलकर? नहीं, टेंडुलकर नहीं, सचिन डिस्प्ले, डिस्प्ले एंड डिस्प्ले कंपनी का मालिक, वो म्यूनिसिपैलिटी का तो मालिक है। है ना ये गाइस मजेदार। तो गाइस देखते हैं अब अपने इस मैजिक एलईडी के एक्सपेरिमेंट को कि हमने इसको कैसे बनाया और क्या है इन हमारे चश्मों के पीछे का राज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें पूरे 7 दिन का समय लगा है। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और देखते हैं इस चश्मे का सीक्रेट। हमने इसमें लगाई हुई है पोलराइज्ड फिल्म। तो ये था हमारे चश्मे के पीछे का सीक्रेट और यही हमारी एलईडी को बना देता है एक मैजिक एलईडी। अगर आप इससे देखोगे तो आपको मूवी अब दिख रही होगी एलईडी के अंदर। अगर मैं इसे हटाता हूं तो अब ये नहीं दिखेगी। तो अब देखते हैं कि ये पोलराइज्ड फिल्म अगर आप इसके थ्रू देख रहे हो तो आपको दिख रहा है टीवी के अंदर, अदरवाइज नहीं दिख रहा है। अब हमारा ये भी नॉर्मल चश्मा ही है,
लेकिन ये टीवी भी तो हमारा वाइट है, टीवी में भी तो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना, तभी आपका ऐसे दिख रहा है। नहीं तो अगर कोई भी आप नॉर्मल टीवी लोगे तो उसपे क्या रहता है, उसमें आप देख सकते हो डायरेक्टली, लेकिन हमारे टीवी में ऐसा नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हो। आपको इसमें देखने के लिए पोलराइज फिल्म चाहिए ही होगी। आपको मैं एक बड़ी शीट लेकर दिखाता हूँ कि कैसे इस पे दिखता है। हमारे पास ये पूरी एक पोलराइज फिल्म है बड़ी, और इससे आप देखो। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने टीवी के अंदर ऐसा क्या किया है जिससे हमारा नॉर्मल टीवी से बन चुका है एक मैजिक टीवी। और अब इसमें क्या होता है कि आप पोलराइज फिल्म से इसके अंदर देख सकते हो, नहीं तो आप इस टीवी के अंदर नहीं देख पाओगे। तो अब मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ और फिर मिलते हैं हम वीडियो में आगे। तो दोस्तों हमारे पास है ये LG का टीवी, और अब हम क्या करने वाले हैं, इस पैनल के ऊपर पे से इसकी ये जो लेयर चढ़ी हुई है इसको पूरा उतार देते हैं। और इसे उतारने के लिए हमारे पास मशीन है, तो उससे हम इसे जल्दी जल्दी करके आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा गाइस। तो अब धीरे धीरे हम इसकी ये पोलराइज वाली लेयर को उतार रहे हैं, और आप देख भी सकते हो कि ये कितनी हमें सावधानी से करना पड़ रहा है। आप ऐसा घर पे करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना अपने टीवी के साथ में, नहीं तो आपको अपने टीवी के साथ में हाथ धोना पड़ सकता है। तो फाइनली गाइज हमने अपने टीवी पे से पोलराइज फिल्म को उतार दिया है। अब इससे क्या होगा, हमारे टीवी में अब कोई भी बाहर से नहीं देख पाएगा। अब आपको सिर्फ इसमें वाइट वाइट दिखेगा। अगर आपको इसको देखना है तो आपको अलग से एक पोलराइज फिल्म लेनी पड़ेगी, तभी आप इसके अंदर देख सकते हो। अदरवाइज कोई भी इस टीवी के अंदर अब नहीं देख सकता। ये पोलराइज फिल्म ही होती है जो किसी भी टीवी में कलर वगैरह कुछ भी दिखाती है। अगर ये पोलराइज फिल्म ना हो तो कोई भी इसमें अब नहीं देख सकता। तो अब देखते हैं अपने टीवी को चलाकर। गाइस हमने अपने टीवी के पीछे का पूरा सीक्रेट आपको दिखा दिया कि हमने इसको कैसे कैसे बनाया है। तो अगर आपको हमारी ये मैजिक LED अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। भैया मैं अपने घर ले जाऊंगा इसे। ले जाओ। थैंक यू गाइस।